संसार के अंदर जितने भी जीव हैं सब उसे बंधे हुए हैं और उन्हीं तीन गुणों से बंधने के कारण वो ध्यान से सुनना और उन तीन गुणों से बंधने के कारण हर मनुष्य इस संसार में सुख और दुख का अनुभव करता है। और इन तीन गुणों के बंधन से छूटने के लिए एक ही मनुष्य जीवन ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और ये भगवद गीता के 14 चैप्टर में जो तीन गुणों के बारे में बताया गया है उसने पहले तो बताया कि सतोगुण, सत्वगुण क्या करता है, हमें ज्ञान के अभिमान से बांधता है। और बहुत सारी डिटेल में निशानियां हैं, इसमें सिम्टम्स बताए गए हैं। अच्छा, तीन गुण समझ रहे हो? इंग्लिश में क्या कहते हैं तीन गुणों को? पहला मोड ऑफ गुडनेस, सेकंड मोड ऑफ पेशेंस और तीसरा मोड ऑफ इग्नोरेंस। अब समझ आए? तीन प्रकार के गुण होते हैं जो हर व्यक्ति उसे बंधा हुआ है और इन तीन गुणों के प्रभाव के अंदर आकर हम कोई ना कोई कर्म करते हैं और हमारे पूरे दिन की जो टाइम टेबल है सुबह से लेकर रात तक उसमें भी इन तीन गुणों का अलग अलग समय पर प्रभाव होता है। जैसे 3 से लेकर 5 बजे का एक अप्रोक्स एक अंदाजा लगा लो, 3 से 5 बजे का टाइम क्या होता है? सत्वगुण से भी ऊपर का होता है। सुबह के टाइम भी हमारे शरीर पर, हमारे मन पर जिसका ज्यादा इफेक्ट होता है, जिसका असर होता है, वो कौन सा होता है? सत्वगुण होता है। मुझसे आप देखोगे सवेरे जैसे ही उठोगे तो आपके मन में एक अलौकिक शांति का अनुभव होगा, एक सुख का अनुभव होगा, भगवान के नाम का जप करने का मन करेगा या कहीं किसी गार्डन में जाके योगा करने का मन करेगा, कोई अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करने का मन करेगा, सत्वगुण। लेकिन जैसे ही सुबह का समय डल गया, मार्केट खुलने का समय आया, घर के काम काज का समय आया, तो उस समय किसका प्रभाव होता है? फिर रजोगुण का प्रभाव होता है। और उस समय ऑटोमेटिक आपके मन में क्या विचार आएगा? जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाओ, जल्दी से कुछ कमाने के लिए जाओ। तो जैसे ही सूर्य अस्त हुआ
रात्रि आरंभ हुई, फिर किसका किसकी बारी आती? तमोगुण की। और तमोगुण किसकी निशानी है? अंधकार की, अज्ञान की, दुख की, चिंता की, शोक की, भय की। जैसे सूर्य अस्त हुआ फिर तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है। आप ही देखते होंगे जैसे संध्या होती है छोटे बच्चों को बोले नहीं नहीं अकेले नहीं जाना, बहन के साथ जाओ, भाई के साथ जाओ, मतलब तमोगुण। या फिर नींद आएगी, या फिर वो चोर जो होते उसके लिए वो तो वेट करता है कि रात का समय कब आए। मतलब इन तीन गुणों का दिन के अलग अलग समय में हमारे शरीर और मन पे इसका प्रभाव होता है। अब इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण ही हमारे सुख और दुख और कर्म बनते हैं। और ये भगवद गीता या भागवत ये सब हमें क्या करें, तीन गुणों से छूटने के लिए सबसे बड़ा साधन देते हैं। और एक चीज आप नोट करना, हमारा जो मन है ना वो एक पानी की तरह है, ट्रांसपेरेंट पानी की तरह। उस पानी में अगर आपने वाइट कलर मिला दिया तो पानी कैसा हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। फिर एक और गिलास में उसमें रेड कलर डालो तो पानी कैसा हो जाएगा? फिर एक और गिलास में उसमें काले ब्लैक कलर उसमें डालो तो बस ऐसे ही। जैसे जैसे हमारा मन जिस जिस व्यक्ति के साथ अधिक संग करता है मन भी ऐसा हो जाता है। ये अब आजमा के देखना। इसका मतलब अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक समय किसके साथ गुजारना चाहिए? जो बहुत सुखी हो, संत स्वभाव का हो, सद भावना वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो, ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मन में वही विचार आएंगे। अब आप अपने पूरे जीवन के टाइम टेबल को देखिए, सबसे अधिक समय आपका किसके साथ जाता है? पर भागवत में तो भगवान ने कह दिया, सॉरी सुखदेव गोस्वामी जी ने, ये श्लोक जो रोज आप पढ़ते हो, कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य। इस श्लोक को कभी रट्टा तो लगा लिया, फायदा ये आपके अकाउंट में आ गया इसका, नहीं कभी ध्यान से श्लोक को समझने का प्रयास किया है कभी? किसके बारे में कह रहे हैं? इस कलियुग के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि जिस समय पर परीक्षित महाराज पांडवों के चले जाने के बाद राजगद्दी पे बैठे तो उस समय लगभग कलयुग आ चुका था। और भागवत महापुराण के अंदर कलयुग के सारे अवगुणों के बारे में बताया गया है और सतगुण के बारे में बताया गया है। आप लोग क्या सुनना चाहते हो, अवगुणों के बारे में सुनना चाहते हो कि सतगुण के बारे में? बोलो, सदगुणों के बारे में। मुझे एक जोक याद आ रहा है, वापस नहीं बताया, दिल पे मत लेना। एक व्यक्ति सत्संग कर रहा था और सत्संग का टॉपिक क्या था? पत्नी। अब वो बता रहा था एक जो पत्नी होती है बहुत आज्ञाकारी होती है, घर के कामकाज में बहुत निपुण होती है, धर्मात्मा होती है, सारे वो गुण बता दिए। इसके बाद चुप हो गया। तो जो बैठे थे सुनने वाले उन्हें पूछा, दूसरी किस्म की पत्नी वो, मतलब उसका पूछ के क्या करते हो, तो सबके पास है ऑलरेडी। तो ये आप लोगों ने कहा कि हंस रहे हो, तो मैं सच बोला क्या? मतलब कहने का मतलब क्या है कि भागवत में अवगुण भी बताएंगे, ये कलयुग के दुर्गुण भी बताएंगे और सतगुण भी बताएंगे, तो आपने खुद का हमें सतगुण सुनना है। तो यहां का कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एको महान गुणा, कि कलयुग के दोषों का क्या है? बाल्टी, कुआं, क्या सागर। क्यों कहा बाल्टी कह देते, ट्रेंकी कह देते? सागर कहने का अर्थ क्या है? सागर की गहराई को कोई नाप सका है? सागर मतलब असीम, यानी इसमें इतने सारे अवगुण हैं, इतने अवगुण हैं कि इसको आप नाप ही नहीं सकते। कोई अच्छे से अच्छा स्विमिंग करने वाला वो भी समंदर की तेज में जा नहीं सकता, वो असीम है। इससे यहां पर का कलयुग दोषों का सागर है। और कितनी
विडंबना की बात है ना कि हमें ऐसे दुखों के सागर में फेंक दिया गया है, फिर भी हम खुश नहीं। बल्ले बल्ले, अभी भी केक जा रहा था ऊपर। हमें किस में फेंका गया है? दोषों के सागर में फेंक दिया गया है, फिर भी हम नाच रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब शुकदेव गोस्वामी से सुना कि कलयुग जो आने वाला है बड़े दुखों का सागर है, तो कहा इसमें कोई अच्छा गुण भी तो होगा। बता, एक गुण है। कौन सा गुण है? कीर्तनाद एव, क्या कहा? कृष्ण से, या सीधा सीधा क्लियर शब्द है, कीर्तनाद एव कृष्ण से, कि केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन। क्या कहा? क्या कहा? केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन। यहां पर किसी और देवी देवता का नाम नहीं कहा। बहुत एक भागवत का जो एक एक शब्द है ना, उसको बहुत गहराई से और ध्यान से समझना चाहिए। कीर्तनाद एव कृष्ण से, यानी कि कृष्ण के नाम का कीर्तन। ये थोड़ी कहा कि फिलां देव का कीर्तन करो, फिलां देवी का कीर्तन करो, ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो। कहने का अर्थ क्या है? जब भागवत में कह दिया कीर्तनाद एव कृष्ण से, कि कृष्ण के नाम का कीर्तन, तो इस बात में हमारी पूरी निष्ठा होनी चाहिए। और जब हमारी निष्ठा पूरी होगी ना, तब उस मंत्र का प्रभाव भी हमारे जीवन में दिखेगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, एक बहुत अच्छे कथावाचक थे, उनका नाम था रामदास, और वो रामचरितमानस में कथा करते थे और बहुत सुंदर कथा करते थे। पर आप सबको मालूम है कि जिस समय भगवान श्री राम इस दरा से अपनी लीला को विराम देकर निज लोक में जा रहे थे, तो सबके सब जितने भी भगवान श्री राम के पार्षद थे, जिन्होंने वानर सेना में देवताओं का रोल किया था, वो सब भी भगवान श्री राम के साथ उनके लोक में जाने लगे। परंतु वहां भगवान श्री राम को हनुमान जी नहीं दिखे। और भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी के विषय में पूछा और उसको खोज करते करते गए, तो वहां हनुमान जी तो राम नाम की धुन में मगन लगे पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हनुमान जी उस समय राम नाम की धुन में मगन थे। याद रखना बात कहां से स्टार्ट हुई, निष्ठा के ऊपर। बाबा ने क्या कहा? कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कि केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन। पहली बात क्या कही? कलेर दोषो निधि राजन, कि कलयुग दोषों का सागर है। इतने सारे गुण हैं, इतने सारे अवगुण हैं, इन अवगुणों को गिन भी नहीं सकते। पहली बात तो ये कही। फिर इसे छूटने का साधन क्या बताया? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। खाली इन तीन शब्दों पर ध्यान देना। बोलो जरा, तीन शब्द क्या है? बस कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कि केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन। भागवत में जो स्वयं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुप्रीम अथॉरिटी, 12 महाजनों में से एक, किस कलयुग में अगर आप छूट सकते हैं तो मात्र किसके नाम का कीर्तन? कृष्ण के नाम का कीर्तन। अब हम लोग उसे मिलावट कर देंगे? नहीं नहीं, भगवान के सब नाम एक जैसे तो है ना। कई लोग होते हैं ना, नहीं हमको ये नाम अच्छा लगा, ठीक है लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको गुरु और शास्त्र के वचनों पे दृढ़ निष्ठा है, जिसको विश्वास है, उसको रिजल्ट क्या होगा? उसको परिणाम जल्दी मिलेगा। और निष्ठा नहीं, थोड़ा बुद्धि क्या भटक रही है, कभी इसका नाम लिया, कभी उसका नाम लिया, कभी उसका, ठीक है, हर्ज नहीं, बुरी बात नहीं। लेकिन जब भागवत में कह दिया कि इतना देव कृष्ण से, तो उसमें भी पूरी निष्ठा होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया तो हमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए। हमारे गुरु ने जब महामंत्र दे दिया तो हमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए, फिर उसमें कुछ मिक्स नहीं करना चाहिए। कई लोग देखता हूं कन्न रस के लिए अलग अलग प्रकार के कीर्तन करते हैं, जबकि गौरंग महाप्रभु ने इसी महामंत्र पर जोर दिया है।
और जब इस नाम पे, इस भागवत के वचनों पर दृढ़ निष्ठा होगी ना, उस मंत्र का प्रभाव जल्दी पड़ेगा। निष्ठा, तो वो रामदास नाम के भक्त वो सुंदर कथा करते रामचरितमानस की, वहां से बात स्टार्ट हुई थी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, इस त्रेता युग में जिस धर्म की स्थापना के लिए मैं आया था वो पूरा हुआ, अब हम सब चल रहे हैं अपने लोक में, क्या आप चल रहे हैं? आप भी चलिए। पर तो हनुमान जी ने उस समय क्या उत्तर दिया, क्षमा चाहता हूं प्रभु, मैं चलूं तो सही, पर क्या आपके उस वैकुंठ के अंदर, क्या वहां पर आपकी राम कथा मुझे मिलेगी सुनने को? भगवान श्री राम ने कहा, मेरे लोक में तो मैं तो मिलूंगा, पर मेरी जो कथा है ना वो इस कलयुग में धरा पर इन जीवों के कल्याण के लिए, वो ये तो मात्र उस धरती पर मिलेगी। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, एक काम कीजिए ना, आप चलिए, जब तक आपकी कथा इस धरती पर चलती रहेगी तब तक मैं यहीं रहूंगा, जैसे कथा पूरी हुई तो मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। अब रामचरित्र कभी पूरी होने वाली है क्या? इसने तो कहा रामचरित्र सुनने को रसिया, कि हनुमान जी क्या है, रामचरित्र सुनने के रसिया है। और आज भी ये मान्यता कि जहां शुद्ध तरीके से एक अच्छा वक्ता यदि राम कथा करता है तो हनुमान जी अवश्य वहां पर आते हैं। संत तुलसीदास जी वो तो ऐसे कलयुग में हुए, उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए तो हनुमान जी के कारण हुए, ये तो बहुत अलग एक कथा है, या बता दूं आप लोगों को। लेकिन बात कहां से, निष्ठा की, फिर कभी उस चर्चा में जाएंगे, कैसे तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे इस कलयुग में। और आप लोग कभी वृंदावन में गए हों, वैजयंती आश्रम ज्ञान गुदड़ी के स्थान पे, तो वहां पे संत तुलसीदास जी आए हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिए, वो स्थान आज भी वहां पर है। तो एक कथावाचक केने का अर्थ के जहां राम कथा होती है हनुमान जी अवश्य आते हैं। और अपने बचपन की घटना बताऊं, हमारी दादी अम्मा, आज भी उनको बहुत याद करता हूं मैं, उस जमाने की दादियां पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। मुझे अच्छे से याद, उंगली पकड़ के सवेरे स्नान करा के सीधा रामायण पढ़ाती थी, ये भगवत गीता या भागवत पढ़ाती थी। और हम लोगों को पढ़ने वढ़ने से कुछ नहीं था, लेकिन भगवत गीता के लास्ट में जो महात्म्य लिखा होता था, स्टोरी होती थी, वो अच्छी लगती थी। और फिर जैसे 18 दिन में भगवत गीता पूरी, तो रुमाल बना के देते थे, फिर बड़े बड़े वो प्रसाद बना के देते थे, हम लोग खुद को बड़ा हीरो समझते थे उस समय। तो आज भी मुझे वो समय याद, उस समय रामचरितमानस बचपन में जो समय पढ़ा मैंने, ये समझ कितनी उम्र है तेरी, लगभग इसकी एज का था मुझे याद, ऐसे ही छोटा। आप तो कहेंगे जो राम कथा होती है वो हनुमान जी अवश्य आते हैं, अब ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर ठीक है आ गई तो बता देता हूँ। और ठाकुर जी कृपा से कई चमत्कार मैंने अपने इस जीवन में उस समय राम कथा में देखे, जो हर कोई इस पर विश्वास में नहीं कर पाए, मतलब जहां राम कथा होती है वो हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो वो भक्त जो जिसका नाम था रामदास, वो रामायण की कथा करते, डेली उनका कर्म चलता रहता, हनुमान जी को जहां मालूम पड़े कि राम कथा हो रही तो वह तुरंत आ जाते हैं। तो हनुमान जी बेस बदलकर उस राम कथा में आकर बैठ गए। अब वो जो वक्ता है वो कथा कर रहे थे सुंदर कांड की, जिसमें हनुमान जी का रोल भी आ जाता है। तो ऐसे कथा करते करते उस वक्ता ने जो कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस समय पर हनुमान जी भगवान श्री राम के कार्य के लिए लंका में प्रवेश हुए और मां सीता को अशोक वाटिका में खोज करते करते हनुमान जी वहां पर गए, तो उस वाटिका में सुंदर सुंदर पुष्पों को देखकर, उन सारे पुष्पों को देखकर, उस बगीचे को देखकर हनुमान जी जरा विचलित नहीं हुए, अपने काम में लगे रहे। और उस वाटिका में सफेद कलर के पुष्प थे, क्या कहा उसने, उस बगीचे में क्या था, सफेद कलर के फूल खिले हुए थे। और यहां पे उसका टाइम पूरा हो गया, अब इसके आगे की कथा हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। उस वक्ता ने ऐसे कहा, हनुमान जी ने कही, कलयुग के लोग, अरे जब मेरे को पहुंचा ही दिया था अशोक वाटिका में मां सीता के पास,
फिर आगे की कथा भी कही देते ना, यहाँ के क्या कर दिया वो क्या होते हैं पिक्चर के बीच में इंटरवेल, हनुमान जी ने कहा पूरी कर देते यहाँ, चलो ठीक है कल आऊंगा। कथा पूरी भी तो वो रामदास जो सत्संग कर रहे थे उन्होंने कहा श्रोता गणों से सुनने वालों से, यदि आपको कोई प्रश्न हो कोई कमेंट हो कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो, किसी का कोई हाथ ऊपर हुआ नहीं। तो वो कथा करने वाले अपने आसन से उठे, ऐसे में वो जो हनुमान जी जो बेस बदल कर वहां बैठे थे वो उनके पास आए और प्रणाम किया कि महात्मा आपने कथा तो बहुत सुंदर की, साधु बहुत अच्छे, परंतु तो इस कथा के बीच में एक शब्द जो आपने कहा ना कि अशोक वाटिका, सारे अशोक वाटिका के अंदर सारे फूल कौन से कलर के थे, सफेद कलर के थे, वो आपने गलत बोला है। अब आप में से कोई एक बच्चा आके मुझे डायरेक्ट बोले प्रभु आपने बात बोली गलत बोली है, अब मेरे ऊपर क्या बीतेगी, यार मैंने तो शास्त्र से पढ़ के बोला, ये मुझे कैसे कह रहा है कि गलत बोली। अब वो जो रामदास जो वक्ता थे कथावाचक, उसने जो हनुमान जी दूसरे देश में थे उनसे पूछा सफेद कलर के नहीं थे मतलब, तो नहीं वो आपने गलत बोला है। वो भी अड़ गया, बोलते नहीं सफेद कलर के थे, बोलता नहीं सफेद कलर के नहीं थे। अब वो था कौन, हनुमान जी बेस बदल कर आए थे। अभी बात करते करते कहा फिर आप बताओ कौन से कलर के थे, तो हनुमान जी लाल कलर के थे, कौन से। तो अब ये वक्ता थे ये विषय पे आ गए, बोलते नहीं तुमको ये वेद पाठी हो, मैंने अपने गुरु से सुना है कि सफेद कलर के थे तुमको मानना पड़ेगा। वो हनुमान जी भी अड़ गए, बोलते नहीं लाल कलर के थे। तुमको कैसे पता चला कि लाल कलर के थे, तुमने किसी वेद से पढ़ा पुराण से पढ़ा किसी गुरु से पढ़ा, बोलता नहीं तो तुम हनुमान जी हो क्या। उसने गुस्से में उसने क्या कह दिया उसको, तो क्या तुम हनुमान जी हो क्या। वो हनुमान जी को गुस्सा, हाँ मैं हनुमान हूं, मैं देखे तेरे जैसे बहुत सारे हनुमान, हनुमान हो दिखाओ अपना असली रूप। अब उसको क्या पता कि सच्चे में सामने हनुमान जी, हनुमान जी भी आवेश में आकर अपना वो स्वरूप दिखा लिया। अब तो भक्त वास्तव में हनुमान जी को देख के बड़ा हैरान हुआ, साष्टांग दंडवत करने लगा, अरे आप धन्य हो गया हमें प्रभु, पहले तो सिद्ध कर रहा था। वो कहते ना लातों के भूत बातों से, दंडवत कर लिया अस्तुति करना, अरे प्रभु आज मुझे पता चला आप बात ही वाकई क्या हो, रामचंद्र मानस के रसिया हो, आज आपके मुझे दर्शन हो गए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, मैं आपके ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी वो बातें करने लगा, हनुमान जी की स्तुतियां करने लगा। हनुमान जी ने कहा वो तो सब ठीक है तुम मेरा आदर करते हो सब कुछ करते हो, लेकिन फूल कौन से कलर का था, लाल कलर का था। वो अरे प्रभु छोड़ी ना लाल तो नहीं था तो सफेद ही। हनुमान जी ने कहा अरे मैंने रूप दिखा दिया पूरा आइडेंटिफिकेशन अपनी दे दी, अब भी जिद पे अड़ा हुआ, नहीं फूल तो सफेद कलर का था। हनुमान जी गौर गुस्सा, अरे जब मैं कह रहा हूं कि लाल कलर का था, मैं अशोक वाटिका में गया था तो प्रभु अब छोड़ो ना जाने दो इस लाल सफेद के चक्कर में क्यों पड़े, था तो सफेद कलर का। अब दोनों की जिद, हनुमान जी ने कहा कि अब तो इसका डिसीजन होके रहेगा, कौन इसका निर्णय करेगा, अब किसी तीसरे पर्सन को लाओ, किसको बुलाएं। उन्होंने कहा मां सीता तो अशोक वाटिका में थी ना, मां सीता से पूछ लेते हैं। अब दोनों की बेस चल रही, जिद चल रही। हनुमान जी ने उस समय मां सीता को याद किया, बोली जग जननी मां सीता की, वो सीता शब्द ही ऐसा है, ऐसे उनको वरदान मिला हुआ है, इस नाम को वरदान मिला है कि जो इस सीता शब्द उच्चारण भी करता है उसकी सारी अपवित्रता दूर हो जाती है। चलो मां सीता को क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं। हनुमान जी ने उसी समय मां सीता को स्मरण किया और प्रणाम करके कहा मां यदि मेरी निष्ठा आपकी और भगवान श्री राम के चरणों पे है तो कृपया आइए इस समस्या का समाधान कीजिए। मां सीता प्रकट हो गई, वह प्रकट होकर दोनों को कहने लगी क्या हुआ, जहां तुम आपस में भक्त मिलते हो तो लड़ती रहते हो, क्या समस्या है। हनुमान जी ने कहा मां ये कह रहा है कि अशोक वाटिका में जितने पुष्प थे वो क्या थे, सो गए जागे हो, कौन से कलर के थे,
और हनुमान जी ने कहा जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो उसे लाल कलर के थे, पर ये मान ही नहीं रहा। अब आप तो थी ना वहां पे, आप बताओ कौन से कलर का था। हनुमान जी तो खुश थे कि जाहिर मैंने लाल बोला है और माँ सीता वहां पे थी तो क्या बोलेंगी। माँ सीता ने कहा तुम दोनों की बात गलत है जी। हनुमान जी भी हैरान, वो भक्त भी हैरान। तो वहां फूल तो सफेद भी नहीं थे, लाल भी नहीं थे, वहां तो हरे कलर के फूल थे। हनुमान जी ने अपना माथा पकड़ लिया, अरे मैया सफेद बोलना था या तो फिर लाल बोलना था, बीच में तीसरा रंग कहां घुसा दिया, अब क्या करें। माँ सीता ने कहा नहीं वत्स मैं सही कह रही हूं, फूल कौन से कलर के थे, हरे रंग के थे। अब तो बड़ा धर्म संकट, पहले एक दो अभी तीसरा डिस्प्यूट, अब क्या करें, किससे निर्णय ले। अब तो ये निर्णय भगवान से राम ही ले सकते हैं। माँ जानकी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया, बोली जय श्री राम। जैसे ही भगवान श्री राम वहां प्रकट हुए तो कहा हनुमान जी ने कि प्रभु अभी आप ही इसका उत्तर दीजिए कि उस वाटिका में कौन से कलर के फूल थे। भगवान श्री राम ने कहा फूल तो सफेद कलर के थे। क्या कहा, वो भक्त तो नाचने लगा। देखो ना हनुमान जी ने पहले कह रहा था लाल कलर के नहीं थे, कुछ भी लाल तो फिर भी नहीं थे ना। हनुमान ने प्रभु आप ये कैसे कह रहे हो, का फूल तो सफेद कलर के थे। पर हनुमान उस समय पर तुम इतना क्रोध में थे उस रावण के ऊपर कि तुम्हें हर जगह पर कौन सा रंग दिख रहा था, खाली लाल कलर दिख रहा था। फूल तो सफेद थे पर तुम्हारा जो उस समय भाव था, कहने करके जिस गुण के अंदर हम होते हैं ना, हमें ऐसी दृष्टि ऐसी सृष्टि दिखती है। वो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जैसे लोगों का संग करोगे आपकी दृष्टि भी ऐसी बन जाएगी, आपको संसार भी ऐसा दिखेगा। अब आप डिसाइड करो कि आप अपने बच्चों को खुद को कैसे संग में रखना चाहते हो और कैसे बनना चाहते हो। अभी बताए ना तीन, ये मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पेशेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हनुमान जी उस समय पर आप क्या थे, पूरी तरह से क्रोध में थे और इसलिए को हर जगह पे क्या दिख रहा था, लाल ही लाल दिख रहा था। हनुमान जी का लाल दिख रहा था वो तो ठीक है, फिर ये माँ सीता को हरा क्यों दिख रहा था। भगवान श्री राम ने कहा कि सीता तो एक क्षण के लिए भी मुझसे दूर नहीं होती, उसको हर समय क्या होता है, भगवान श्री राम का रंग कौन सा कहा गया है, हरे कलर का कहा गया है, कि उनको तो हर जगह मैं दिखता हूं, इसलिए उनको क्या दिखा, हर जगह पर ये हरा रंग ही दिख रहा था। और उस समय पर भगवान श्री राम ने उस भक्त को पास में बुलाया जो कथावाचक थे, राम कथा पे जो चर्चा करते थे, कहा कि धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी निष्ठा के ऊपर कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कहा कि अशोक वाटिका में पुष्प कौन से सफेद कलर के थे, तुम उस निष्ठा भी पूरी तरह दृढ़ बने रहे और इसके कारण देखो आज मां सीता के तुम्हें दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए, उससे मैं भी तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। समझ आई कुछ क्या, आरंभ कहां से हुई थी बात, भागवत के श्लोक से, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, ये तो हो गया। इसके बाद क्या लाइन थी, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, क्या कहा, केवल कृष्ण के नाम का कीर्तन और किसी नाम का कीर्तन नहीं कहा। आप अगर ये कहते हो ना नहीं सब नाम भगवान के बराबर हैं, ये लेंगे ठीक है बराबर है, लेकिन एक अथॉरिटी भागवत कह रही है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं और हमारे गुरु महाराज ने जब हमें नाम दिया है हरे कृष्ण 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 यदि मैं गुरु महाराज के वचनों पे निष्ठा है, चैतन्य महाप्रभु के वचनों पे निष्ठा है, भागवत के वचनों पे निष्ठा है कि कलयुग में मात्र के कृष्ण नाम से हमारा उद्धार हो सकता है, तो ये निष्ठा होगी तब ये नाम का पूरा प्रभाव हमारे जीवन में होगा। और ये हम जो भगवत गीता पढ़ते हैं, ये भागवत पढ़ते हैं, हरि कथा करते हैं, ये सब क्यों, कि ठाकुर जी के ऊपर हमारी निष्ठा दृढ़ हो। नहीं तुम पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक तीन गुणों के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे ये पंखा है जिसमें कितने ब्लेड है पता है किसी, कितने दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तीन, चलते हुए दिख रहे हैं किसी को, नहीं नहीं तीन तो है ना,
ये हरि कथा क्या करती है, ये साधु संघ क्या करता है, इन तीन गुणों से इन्हें ऊपर उठाता है। और इन तीन गुणों को अगर आप कंट्रोल करना चाहो, मतलब इनको रोकना चाहो, तो क्या इन ब्लेड को पकड़ लोगे इसे, क्या करोगे बोलो? रेगुलेटर को पकड़ोगे ना, या पंखे को पकड़ो? नहीं, इनको पकड़ लूंगा मैं। ऐसे यदि अगर आप चाहो कि इन तीन गुणों पे हम कंट्रोल कर लें, कभी नहीं कर पाओगे। इन तीन गुणों का रेगुलेटर क्या है? ये कलयुग में केवल हरि नाम, हरे कृष्ण 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 तो एक तो ये हमें नाम की निष्ठा होनी चाहिए, और तीन गुणों से उठने का प्रयास करें। ज्यादा ज्यादा समय किसके साथ व्यतीत होना चाहिए? इसे साधु पुरुषों का। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब ये सब बच्चे आप सबसे पहले आकर, जबकि आपकी कोई क्लास भी नहीं है, आपकी कोई ट्यूशन भी नहीं है, आपको कोई होमवर्क भी नहीं करना पड़ता है ना, ये इतने बेचारे बच्चों से पूछो। एक बच्चा तो मोदी पे केस करने वाला था, कुछ हमारे पर भी ध्यान दो। सुबह को माँ उठाती, झापड़ मार के चले स्कूल, आती है थोड़ी सांस में नहीं चल ट्यूशन, वहां से आते नहीं बैठा नहीं तो चलो होमवर्क करो, ऐसे करते रात हो जाती, कुछ तो दया करो हम पे। इतने सारे काम होने के बाद भी ये सही कहूं, मैंने आज का मैं सबसे पहले आज मैं जाऊंगा, मैं जाके भगवद गीता को कंटिन्यू कराऊंगा। देखा तो मेरे से पहले पहुंचे हुए हैं, कितने चैप्टर हो गए? 12 कंप्लीट हो गया, अभी कौन सा चल रहा है? अच्छा, इनको पता भी नहीं, खाली रट्टा लगा रहे हैं। पढ़ो तो जी सर, 12 चैप्टर पढ़ो, चलो इस जबानी बिना देखे। अब आजमा आप लोग कहाँ पे और ये कहाँ पे है? यस स्टार्ट माइक। 5 मिनट पहले कथा पूरी, किसका नाम लेते हैं? पता भी नहीं कि भगवत गीता के चलो पढ़ रहे हैं, पता है क्या होता है? मैंने अभी आपको कहा ना कि तीन गुणों से बचने के लिए भागवत महापुराण में 10 प्रकार के साधन बताए हैं। कितने? 10 प्रकार के साधन। उस पर मैं कभी डिटेल में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला जो साधन बताए वो क्या है कि आपका समय शास्त्र के साथ कितना बीतता है, भागवत के साथ, भगवत गीता के साथ कितना व्यतीत होता है। पहला तो ये, और उन 10 में से दूसरा ये कि आपका खान पान कैसा है, तीसरा आप जो पानी पीते वो किस प्रकार का है, संग आपका किस प्रकार का है। 10 प्रकार के उसमें साधन बताएं कि तीन गुणों से ऊपर उठोगे। पहला पहला क्या है? शास्त्र का आप कितना अध्ययन करते हो, कितना उसका संग करते हो। मुझे प्रसन्नता होती है बहुत कि ये इतने
क्या कहते हैं डिजिटल टाइम के दौर के अंदर भी इनकी कदम ही भगवत गीता तरफ भागवत की तरफ। एक पत्रकार ने एक आचार्य से पूछा कि भगवत गीता तो 5000 साल पहले लिखी गई, आज इसकी क्या जरूरत है। क्या कहा? भगवत गीता तो 5000 साल पहले बताई गई, आज इसकी क्या जरूरत है, अब तो कुछ एडवांस कुछ और होना चाहिए। उन महात्मा ने उत्तर दिया, भगवत गीता में भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत तरोवे जनः स यत परमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। कि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष जैसे आचरण करता है पीछे आने वाले भी उसका अनुकरण करते हैं। जैसे एक देश का राजा जैसे उसके आचरण होगी तो प्रजा भी उसकी तरह चलेगी। ऐसे एक घर के अंदर बड़ा जैसे स्कूल के अंदर कोई बड़ा कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, जैसे वो आचरण करेगा या टीचर आचरण करेगी तो बच्चे भी ऐसा आचरण करेंगे। ऐसे घर के अंदर बड़ा कौन होता है, माता पिता होते हैं, वो जैसे आचरण करेंगे बच्चा भी क्या करेगा वही आचरण करेगा। अर्थात जैसे बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं पीछे आने वाले भी उसका आचरण करते हैं। तो कहा कि भगवत गीता 5000 साल पहले भगवान ने कही और उसमें जो उपदेश दिए वो तो हमारे बड़े हैं, उनको पालन करते करते हमारी संस्कृति में जो हमारे बड़ों ने भी संस्कार दिए आज बच्चे भी उसको पालन कर रहे हैं। और जहां ये परंपरा टूट गई भगवत गीता की भागवत की हरि कथा की, फिर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे कहीं पर खेत होता है ना, अगर उसको समय पे बीज ना बोया जाए और बारिश हो जाए तो उसमें क्या उगाते, ऐसे कांटे या ऐसे झाड़ियां फालतू किस्म की चीजें उसमें उगाती हैं। ऐसे यदि इनके जीवन में भगवत गीता भागवत नहीं रखी गई तो वे फालतू चीजें उत्पन्न हो जाएंगी उसमें। और पहले ही कह दिया कलेर दोषो निधि राजन अस्ति को महान गुणा, कि कलयुग दोषों का क्या है, हाँ फिर से कह रहा हूं क्या है, हाँ ना बाल्टी है ना कुआं है ना टैंकी है जिसको नाप के कर सके, सागर मत असीम जिसके अवगुणों को आप नाप भी नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसलिए इन 3 गुणों से बचने के लिए अधिक से अधिक भगवान नाम का जप कीजिए और जितना हो सके भगवत गीता भागवत रामायण इन चरित्रों को श्रवण अवश्य कीजिए। ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। अब थोड़ा सा समय बदला है, कोई जमाना होता था लोग क्या करते थे अपने घर पे देवताओं की फोटो रखते थे, वो जब घर कच्चे होते थे ना तो सारे देवताओं की फोटो लगी होती थी। फिर धीरे धीरे समय थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर देशभक्तों के फोटो लगने लगे, वीर जो योद्धा होते थे उनके। अब देखो स्टैंडर्ड हमारा कैसे जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है कि गिर रहा है, ये ध्यान दो जरा। फिर धीरे धीरे अभी और थोड़ा एडवांस हुए तो अभी क्या है, देवताओं की फोटो तो घर में लगाने की जगह ही नहीं, वीर योद्धाओं की वो कुछ जगह ही नहीं, पहले उनको देखते थे, अब किसकी फोटो लगती। जरा विचार करो, और या पिक्चर्स में जो आजकल जो सबसे ज्यादा बड़ी हीरोइन ज्यादा वो होती है ना फेम वाली होती, तो उसको अपना आइडियल बनाते हैं या किसी क्रिकेटर को आइडियल बनाते हैं। क्या हमारा स्टैंडर्ड हुआ है देखो, और गिराया के बड़ा है ज्यादा। पहले देवताओं के फोटो होते थे, भगवान की लीलाओं के फोटो होते थे, फिर शूरवीरों के, फिर इसके बाद और ऐसे आते आते अब किसको हमें आइडियल बना दिया है। तो ये भाग्यशाली नहीं हमारे बच्चे के इस भयंकर युग में भी भगवद गीता को या कृष्ण को अपना एक आइडियल बनाया है। बस ठाकुर जी इसी तरह से हम सब पर अपनी कृपा करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी मंगल कामना के साथ ठाकुर जी हम सब पर अपनी कृपा करें, हमें अपने सेवा में लगाए रखें ताकि इस कलयुग के भयंकर दोषों से बचे रहें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की, गिरुद्रा श्रीमद भागवत महाप्राण की, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ठाकुर जी सरकार की, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश।